फ्रेंड्स, अगर आप चीनी शुगर छोड़ देते हैं 14 डेज के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी सीरीज बनाई है डायबिटीज़ को लेके, इंक्रीजिंग शुगर लेवल हम इंडियंस के बीच में, तो मैं चाहता हूँ सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम चीनी गिव अप कर देते हैं, ये जो शुगर है, ये जो हम एडेड शुगर अलग से लेते हैं, जो हम चीनी अलग से लेते हैं, अगर हम इस चीनी को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ने लगता है। तो पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं, ये इजी नहीं होता है। जब हम चीनी छोड़ते हैं ना, तो बॉडी के अंदर से क्रेविंग आती है, चीनी की डिमांड आती है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। आपको दिक्कतें आएंगी 2 या 3 दिन, कई बार 3 दिन के अंदर लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। तो हम देखते हैं कि अगर हम 14 दिन अगर हम हमारी शुगर को कंट्रोल करते हैं तो इससे हमारी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपके अंदर जो क्रेविंग है ना शुगर की, वो कंट्रोल हो जाएगी। तो आपका जो एक भूख होती है शुगर की, आप कई बार रियलाइज करें, इंसान को भूख लगती है, उसको लगता है मुझे भूख लगी है, बेसिकली वो कई बार शुगर की भूख होती है। हमारी बॉडी ना चीनी डिमांड कर रही होती है, मीठा डिमांड कर रही होती है, तो वो हमें अपने शरीर को सिर्फ समझना है। तो जब आप 14 डेज के लिए शुगर को छोड़ देंगे, चीनी को छोड़ देंगे, तो आपके अंदर से जो है वो शुगर की क्रेविंग कम हो जाती है। अब होता क्या, जैसी आपने चीनी खाई, तो चीनी खाते क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, चीनी की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी एक हार्मोन को लेकर आती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। अब इस इंसुलिन का क्या काम है, इमिडिएटली जो हमारी शुगर बढ़ी हुई है उस शुगर को शरीर के अंदर ले लेना है। शरीर के अंदर लेते ही क्या होना कि ब्लड के अंदर शुगर कम हो जानी है, और जैसी ब्लड के अंदर शुगर कम होनी है हमें दोबारा से क्रेविंग आने लगती है कि हम कुछ खाएं, हम कुछ मीठा खाएं या हम कुछ खाना खाएं, है ना। कि बॉडी को बड़ा मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स में, चीनी में, इन सब चीज़ों में। तो जैसी आपने चीनी ज़्यादा खाई, मीठा, हम यहाँ शुगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जैसी आपने ज़्यादा शुगर खाई इंसुलिन आया, इंसुलिन ने वो सारी शुगर को सेल्स के अंदर ले लिया, ब्लड के अंदर शुगर कम हो गई। तो ब्लड के अंदर शुगर कम होते ही आपकी बॉडी क्या डिमांड करेगी, मुझे शुगर और चाहिए, तो आप और शुगर लेंगे। लेकिन अगर आपने इस क्रेविंग को रोक लिया, हम शुगर ले नहीं रहे, हमने क्या प्लान करना कि हमने 15 दिन शुगर नहीं लेनी है। तो जब फर्स्ट डे होगा, जैसे आपने शुगर ली और इंसुलिन आई, इंसुलिन ने वो सारा शुगर बॉडी के अंदर ले लिया, ब्लड के अंदर शुगर नहीं है, तो आपको क्रेविंग उठेगी। अब आपने इस क्रेविंग को कंट्रोल करना है, हमने चीनी नहीं खानी है। अब ये है इसका सबसे पहला फ़ायदा कि आपको क्रेविंग होगी, लेकिन आपने क्रेविंग को रोकना है। तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो शुगर जा रही है वो कंट्रोल होगी। अब इसके फायदे और क्या है, आपको धीरे धीरे भूख लगनी कम हो जाएगी। अभी होता क्या है, जैसे आपने शुगर ली इधर से इंसुलिन आई, इंसुलिन ने सारा शुगर ब्लड में से लेके बॉडी में डाल दिया, अब आपके ब्लड के अंदर कम होगी, आपको हंगरनेस लगने लगी, आपने और खाना खा लिया। लेकिन जैसे ही आपने इसकी क्रेविंग को रोका, तो आपको आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे आपको भूख के ऊपर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अब ये आपको दूसरे बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या था कि आपका जो शुगर का एपिटाइट है, शुगर की लाइकिंग है, वो कम हो जाएगी। अब आपको जो भूख पे कंट्रोल आना लगेगा, आप धीरे धीरे अपनी हंगर को कम कर लेंगे, हंगर को कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि जैसे ही आप चीनी लेते हैं, आप और हमने चीनी ली, ये चीनी ब्लड में बढ़ती है, ब्लड में बढ़ने के बाद बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर जाके ब्रेन में जाती है। ब्रेन के अंदर जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो ब्रेन थकान की तरफ आता है, आपको नींद आने लगती है। हम जब हैवी खाना खाते हैं, नींद क्यों आती है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका होता है, हमने मीठा भी खाया होता है, इन सब बाकी भी चीज़ों के अंदर ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंडेक्स होते हैं, मतलब कितना शुगर वो बनाते हैं। तो जब ब्रेन के अंदर ज़्यादा शुगर जाता है तो ब्रेन थकान की तरफ जाने लगता है, हमें थकान होने लगती है, हमें नींद आने लगती है। जब आपने शुगर को कंट्रोल कर लिया है, तो वही जो शुगर है वो कम जा रही है बॉडी पार्ट्स के अंदर, ब्लड के अंदर कम है, इसी तरह से वो ब्रेन को कम जाती है, तो ब्रेन आपका एक्टिव रहता है। तो जो थकान, जो आपको फटीग महसूस होता है, वो कम हो जाता है जब आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ही हम ज़्यादा शुगर लेते हैं,
अब बॉडी को शुगर नहीं चाहिए, तो बॉडी क्या कोशिश करती है कि ये शुगर मेरी बॉडी में आए ना। तो अब बॉडी क्या करती है, अपनी ही चीज़ों से अपने आप को कंट्रोल करती है। अब बॉडी ने कंट्रोल करना है कि शुगर हमारी बॉडी में ज़्यादा जाए ना, तो इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में से शुगर अंदर लेके आना। तो बॉडी क्या करती है, इंसुलिन को रोकती है। जब इंसुलिन को रोकेगी तो इंसुलिन जब नहीं आएगा तो शुगर भी अंदर नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन क्या करती है, शुगर को जो अंदर लेके आएगी, बॉडी उसको कंट्रोल कर देती है तो शुगर अंदर आ नहीं पाती है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब शुगर भी अंदर नहीं आती है तो शुगर के साथ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं ये बॉडी को चाहिए होती हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी शुगर को रोकने की कोशिश करती है, वो हमारे खाने पीने पे तो कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो तो हम ही कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करती है, इंसुलिन को रोक देती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगता है, तो हमारी बॉडी को जो बाकी चीज़ें हैं वो भी नहीं आ पाती है, क्योंकि बॉडी का कंट्रोल करने का मैकेनिज्म यही है। तो जब आप शुगर नहीं लेंगे तो बॉडी को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए बॉडी के अंदर जो बाकी चीज़ें जा रही हैं, जो बाकी न्यूट्रिशन जा रही हैं, वो बॉडी सबको लेती रहती है, एक्सेप्टेबल करती रहती है। तो आपकी बॉडी को एक अच्छा फ्यूल मिल रहा है काम करने के लिए। शुगर इज़ नॉट अ गुड फ्यूल। अब जब शुगर नहीं आएगा तो बॉडी जो एनर्जी लेगी, जो हमारे स्टोर्ड फैट में से लेगी, और इस फैट को यूज़ करेगी हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए, और इस तरह से क्या होगा, हम एक बॉडी को बेटर फ्यूल दे पाते हैं। अब एक और चीज़ है, जब आप शुगर नहीं लेंगे, जब शुगर नहीं लेंगे तो बॉडी क्या करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर रिटेंशन हो रखा है, क्योंकि जहाँ शुगर जाती है पानी वहाँ जाता है, हमारी बॉडी में से जब शुगर कम होने लगता है तो बॉडी क्या करती है, ये एक्सेस ऑफ वाटर को लेके बॉडी में से बाहर निकालने लगती है। तो आपकी बॉडी फ्लश आउट होगी, साथ साथ में जो एक्सेस ऑफ फैट है वो भी बॉडी से बाहर जाने लगते हैं। और एक एवरेज देखा गया है कि 14 से 15 दिन के अंदर अगर आपने शुगर को कंट्रोल किया तो तकरीबन 6 लीटर वाटर जो आपने रिटेन कर रखा है, हमारी बॉडी ने रिटेन कर रखा है, ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो आपके कई बार फेस पे जो भारीपन, स्वेलिंग रहती है, और आपका पेट जो बाहर को निकला रहता है, ये श्रिंक होने लगता है। क्यों श्रिंक हो रहा है, क्योंकि इसमें से जो वाटर रिटेंशन हो रखे हैं, वाटर बढ़ा हुआ है, वो वाटर जो वाटर है वो बॉडी में से पानी बॉडी में से बाहर जाने लगता है। 6 किलो तक पानी बाहर चला जाता है 14 से 15 दिन के अंदर। तो अब क्या होगा, आपका जो पेट है, जो बेली है, वो कम होगी, आपके फेस पे जो भारीपन है ये कम होने लगता है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने शुगर को कंट्रोल कर दिया। अब अगर आप ज़्यादा फैट खाएंगे, ज़्यादा शुगर्स खाएंगे, तो आपके पेट जो है वो बाहर को आने लगता है, क्योंकि वाटर बढ़ रहा है। आपने शुगर ज़्यादा ली, वाटर लिया, वो वाटर इन सबको बढ़ा रहा है। तो आपने जब शुगर कंट्रोल किया तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है ये बॉडी में से बाहर जाने लगता है। अब एक और एडवांटेज शुगर छोड़ने का, जब आप शुगर छोड़ देते हैं तो शुगर को रोकने के लिए बॉडी कुछ एक्शन लेती है, लेकिन जब शुगर नहीं जा रहा है तो बॉडी जो आप फ्यूल दे रहे हैं, जो अच्छा खाना, अच्छी डाइट दे रहे हैं, वो सारी की सारी डाइट बॉडी के अंदर जाने लगती है, और वही ब्रेन को अच्छी डाइट मिलने लगती है। तो ब्रेन आपका फंक्शन बेटर करेगा, आपकी एनालिसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका मूड फ्रेश रहेगा, आप हमेशा अच्छा काम करेंगे, और आपके जो बाकी के फंक्शन है काम करने के, वो भी बेटर होते जाते हैं। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे ही आप शुगर बढ़ती है, हम मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे, अब जैसे आपकी बॉडी में शुगर बढ़ती है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन बढ़ता है, और जैसे ही इंसुलिन बढ़ता है फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन्स बढ़ने लगते हैं। जैसे ही इंसुलिन बढ़ेगा आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स, फीमेल्स की बॉडी में एंड्रोजन्स बढ़ने लगते हैं, और एंड्रोजन जब बढ़ेंगे तो वो फेस के ऊपर पिंपल्स और बाकी सारी चीज़ें लगने लगते हैं, तो आपकी ब्यूटी पे इम्पैक्ट आएगा। और मेल्स जब ज़्यादा शुगर लेते हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन्स कम होने लग जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन्स क्या होता है, ये मेल्स के सेक्स हार्मोन्स हैं, और बाकी भी बहुत सारे काम करते हैं, हम मेल्स को मेल की शेप देने के लिए ये काम करते हैं टेस्टोस्टेरोन्स। तो जब आप शुगर ज़्यादा लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन्स कम होने लगते हैं, तो ये आपको नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल करते हैं तो ये फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन्स नहीं बढ़ेंगे और हमारे टेस्टोस्टेरोन ठीक लेवल पर रहेंगे। तो फीमेल्स के अंदर क्या होगा, ये जो पिंपल्स आने लगते हैं, फेस खराब होने लगता है, फेस के ऊपर बाकी दाग धब्बे आने लगते हैं, ये कंट्रोल होने लगेंगे।
और धीरे धीरे आपका स्किन बेटर लगने लगेगा, आपके लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आप शुगर कंट्रोल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लो और चार्म बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, जब हम शुगर ज़्यादा लेते हैं, ये जो शुगर बॉडी के अंदर जाता है ये अलग अलग रिएक्शन करता है, तो हमारी बॉडी और आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, आपको स्टिफनेस महसूस होगी शरीर के अंदर, आपके दर्द बढ़ेंगे शरीर के अंदर। और जब आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहने लगती है और ये दर्द जो होते हैं ये कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी और बढ़ती है अंदर जब हम शुगर लेते हैं। उसकी डेप्थ में अभी नहीं बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हम मेडिकल चीज़ें आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप शुगर कंट्रोल करने लगे तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होते हैं, आर्टरीज के अंदर एक्टिविटीज कम होती है, स्मूथली काम करने लगती हैं, तो आपको अकड़न या शरीर के अंदर जकड़ हो जाती है वो, और दर्द ये भी आपको कम होने लगते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखिए, इस खाली शुगर को कंट्रोल करने से आप कितनी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 14 या 15 दिन अपनी कंप्लीट शुगर को उठा के बाहर कर दीजिए। हाँ, अभी मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था शुगर के लिए, तो उन्होंने बोला ये फ्रूट्स वगैरह मैं खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ, आप फ्रूट्स ले सकते हैं कोई इशू नहीं, दैट्स अ गुड शुगर। फ्रूट्स आपको, मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, शुगर कंट्रोल करना है हमने एक्चुअल वाली शुगर, जैसे चीनी है, गुड़ है। कई फ्रेंड्स को कन्फ्यूजन रहता है कि हम गुड़ खा रहे हैं तो चीनी नहीं खा रहे हैं। फ्रेंड्स, गुड़ का भी वही रोल है जो चीनी का रोल है, वही इंसुलिन का स्पाइक करता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो जब आप बाहर से शुगर नहीं लेंगे तो बॉडी क्या करेगी, जो एक्सेस ऑफ स्टोर्स है, एक तो मैंने आपको बताया पानी निकाल के बाहर करेगा तो आपका वेट कम हो जाएगा, दूसरा जो अंदर स्टोर है हमारे फैट के, जैसे हमारा लिवर है, लिवर के अंदर बहुत सारा फैट स्टोर होता है, तो ये उस फैट को डिजोल्व करने लगता है बॉडी के अंदर, और आपका धीरे धीरे फैटी लिवर भी ठीक होगा, आपका वेट भी कम होगा। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, कोई मेल है उसका पेट ज़्यादा बाहर को निकला हुआ तो पूरे पूरे चांसेस है कि उसको फैटी लिवर है, इसका मतलब है उसका लिवर में फैट एक्युमुलेटेड ज़्यादा है। तो जब वो शुगर कंट्रोल करता है अपनी, तो फैट के स्टोर जो लिवर के अंदर है वो डिजॉल्व होने लगते हैं, आपका फैटी लिवर ठीक होता है, आपका डाइजेशन ठीक होएगा और आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और कुछ और बेनिफिट बताता हूँ शुगर कंट्रोल के, आपकी बॉडी क्या करते हैं, न्यू एंजाइम्स को जो हमारे डाइजेशन में रोल्स करती है, उन एंजाइम्स को बॉडी बनाने लगती है। जब आपके एंजाइम्स बनेंगे आपका डाइजेशन प्रोसेस ठीक होगा, आपका वेट ठीक तरह से करेगा और बॉडी को एक अच्छा फ्यूल मिल रहा है काम करने के लिए। हम जब शुगर खा रहे हैं तो शुगर फ्यूल मिल रहा है, जब शुगर कंट्रोल कर देते हैं तो बॉडी के अंदर के जो फैट है वो उसको जब डिजोल्व करने लगती है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी न्यूट्रिशन होती हैं जो बॉडी को मिलती हैं और बॉडी काम करती है। आपने खाना खाया, उसमें आपने शुगर नहीं ली, तो बॉडी ने क्या किया, वो सारी न्यूट्रिशन को, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन सबको साथ साथ अंदर आने दिया शरीर के, और शरीर को लगता है और अच्छा काम करता है। और जब आप शुगर छोड़ेंगे तो आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, आपको क्रेविंग आएगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1, B2, B6, B12, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये आप ले लीजिए, अगर फ्रूट्स में से मिलता है वहाँ से ले लीजिए, वरना कैप्सूल्स और मल्टीविटामिन सब आते हैं आप ले सकते हैं। तो जब आप B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने लगेंगे तो आप थोड़े बहुत क्रेविंग और सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो आपको शुगर छोड़ने में वो चीज़ हेल्प करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप शुगर छोड़ते हैं तो आपकी आर्टरीज और इन सब में इन्फ्लेमेशन कम होता है, आपका हार्ट ठीक रहेगा, जब एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी में से बाहर जाता है ये भी हार्ट को हेल्प करता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर हार्ट के ऊपर लोड डालता है, आपकी बॉडी वेट बढ़ता है, वो भी हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है, तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है और आपकी बॉडी में नए सेल्स जनरेट होने लगते हैं। फ्रेंड्स, नए सेल्स जनरेट होंगे तो वो आपकी बॉडी को एक तरह से नया बनाने लगते हैं, आप रिजुविनेट हो जाते हैं, आप धीरे धीरे यंग होने लगते हैं। करना क्या है, सिर्फ 14 से 15 दिन शुगर को कंट्रोल करना है फ्रेंड्स। और मैं जानता हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ये काम कर सकते हैं, सिर्फ 14-15 दिन शुगर छोड़ना है फ्रेंड्स। आपके साथ मैंने भी डिसाइड किया है, कल से 15 दिन तक मैं शुगर नहीं लूँगा। फ्रेंड्स, मिलके काम करते हैं, मिलके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया के अंदर
हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ कि कैसे हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और एक मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे हम युवा प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी आप ज़िंदगी की हर चीज़ को इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट फ्रॉम टूडे, लेट्स कंट्रोल आवर शुगर फॉर 15 डेज। So friends, thank you very much for watching. Thank you very much, friends.